सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो रिसेंटली जीपैट 2024 को लेकर जो स्टेटमेंट आया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने अपलोड किया है रिसेंटली ऑन अबाउट द जीपैट 2024 एग्जाम कन्फर्म न्यूज़, ये स्टाइपेंड को छोड़ते हैं, स्टाइपेंड को लेकर बहुत कुछ हो गया और एक फाइनल नोटिस भी आ चुका है कि स्टाइपेंड मिलेगा विद इन वन मंथ, डिसबर्समेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों का मेन फोकस जो है वो होना चाहिए अबाउट द जीपैट 2024, राइट। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है जीपैट 2024 को लेकर, जितने भी मैं लाइक अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसके बाद कुछ आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। जीपैट को लेकर ये मेरा फाइनल वीडियो है, ये वीडियो तो फाइनल नहीं होना था बट इसको मैं फाइनल इसीलिए बना रहा हूँ, लाइक पहले वाला ही मेरा हो गया था एक्चुअली, बट इस वीडियो में जो कॉमेंट्स आ रहे थे वो बहुत सारे कॉमेंट्स हैं कि लाइक जीपैट का फॉर्म क्या चालू हो चुके हैं, सभी का सेम है लाइक कौन लेगा UGC और PCI, ये तो हो गया स्टाइपेंड को लेकर, जीपैट एग्ज़ाम का लेवल होगा होगा इस पर, फिर है ना एप्लीकेशन क्या स्टार्ट हो चुका है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये वाला वीडियो जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन अबाउट द जून फर्स्ट वीक को PCA के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा जीपैट का। तो टॉकिंग अबाउट द लाइक द एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले आई थिंक दे विल क्लियर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीपैट स्टाइपेंड। एक तरफ जीपैट का स्टाइपेंड भी आएगा कोई PCI से नोटिस, और दूसरे तरफ हम लोग शायद देखेंगे कि यहाँ से PCI जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसके तरफ से जीपैट को लेकर भी एक आ जाते हैं, लेकिन उसमें अभी आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तक कुछ तो आया नहीं है बट अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इसको लेकर, क्योंकि लाइक दे आर वॉकिंग ऑन इट। अब उनको पोर्टल डेवलपमेंट करना है सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं कि किस अगर ये लेते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि NBMS पोर्टल से लिया जाएगा, तो अगर ये लेते हैं तो NBMS, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो है NBMS ये है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, इसके थ्रू NEET PG, NEET MDS, NEET SS, FET, DNB, PGCAT एंड एक्सिट एग्ज़ाम लिया जाता है, फेलोशिप के लिए एक सीट, DNB, DRNB के लिए एक सीट। यहाँ पे एक्सिट एग्ज़ाम में शायद हम लोग डी फार्म के एक्सिट एग्ज़ाम भी देखेंगे, और जीपैट भी अगर यहाँ से लिया जाता है तो हो सकता है यहाँ से लिया जाए सिमिलरली, लेकिन अभी तक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास ऐसा है नहीं अगर इसी से लिया जाता है तो, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, राइट। तो अगर PCI लेते हैं तो यहाँ से हो सकता है वो ले लें, लेकिन अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि रिसेंटली दे आर लाइक वॉकिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेबसाइट, एक्चुअली वो इस वेबसाइट को डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट इन द सेंस कि देखो एक एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम लाइक एक फॉर्मेट ऑफ सिस्टम पूरा उनको बनाना पड़ेगा, राइट। कि एग्ज़ाम ऐसे लिया जाएगा, फॉर्म को ऐसे फिल किया जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ खुद का है नहीं अभी तक PCI कुछ भी एग्ज़ाम खुद नहीं लेते थे, NTA बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन सेम ही वेबसाइट में बस डाल देते हैं क्वेश्चन, तो उनके पास फॉर्मेट है, वेबसाइट है, सब कुछ है। AICT के पास भी खुद का है, लेकिन गेट के पास, IIT के पास, नाइपर के पास, इनके पास खुद का है, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCA के पास खुद का वेबसाइट या फिर एक एग्जामिनेशन कंट्रोल एक सिस्टम ये नहीं है। तो वो बना रहे हैं जिसके थ्रू वो एक्सिट एग्ज़ाम भी लेंगे और जीपैट एग्ज़ाम भी लेंगे, हो सकता है। तो अभी तक फॉर्म तो नहीं आया है। एंड टॉकिंग अबाउट कि क्या जीपैट का फिर कुछ लाइक सिलेबस हार्ड होगा, तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस हम सबको पता है, द होल BPharm सिलेबस इज़ द सिलेबस ऑफ जीपैट, जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे करेंगे। अब क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। अब हो सकता है वहाँ पे जब NTA बना रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा कोर प्रोफेसर्स, कोर टीचर्स यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इससे कुछ लाइक हम लोगों को अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना प्रिपरेशन जैसे कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि NTA क्वेश्चंस जो बना रहे हैं अभी तक वो बहुत इजी हो रहा था, ऐसा तो है नहीं, इजी भी है थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ मीडियम मिले, हर एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन है सभी के लिए, कुछ होते हैं मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कुछ होता है जिन्होंने सब कुछ किया है, कुछ होता है एडवांस लेवल क्वेश्चंस, स्टूडेंट वाइज क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन के डिफिकल्टी वाइज होते हैं, लाइक ऐसे होते हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। वो उसी टाइप का इस बार भी होंगे, अगर PCA लेते हैं तभी भी होंगे, हो सकता है क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा और अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे सभी हमारे लाइक हाईली क्वालिफाइड टीचर्स प्रोफेसर्स इस क्वेश्चन को बनाएंगे एंड जो टोटली फार्मेसी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये एक बेटर होगा अगर बनाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा उनके हिसाब से, मतलब उनके बातों से ये लगा कि अभी दे आर डेवलपिंग द वेबसाइट, द लाइक एग्जामिनेशन
वेबसाइट और एग्जामिनेशन कंट्रोलिंग सिस्टम, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि, लेकिन जैसे कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि जून के फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम लिया जाता है तो मई अप्रैल एंड या फिर मई में हम लोग देखेंगे कि आ जाएगा शायद, या फिर ठीक है अप्रैल में ही हम लोग को कुछ देखने के लिए मिल सकता है कि अप्रैल में ही आगे चलो। मार्च एंड होने को आया है, अभी आपका एक ही काम है, जब तक या जीपैड का अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा मेरे चैनल से, लेकिन आपके पास एक चीज़ करने अभी प्रिपरेशन, लास्ट मंथ या फिर लास्ट टू मंथ का प्रिपरेशन करो आप, आपका ये बस यही काम है। और एक चैनल को थोड़ा इधर उधर कभी कभी थोड़ा देखना ताकि कुछ मिस ना हो जाए, राइट ठीक है। और आई आई टी बीचू को लेकर भी कोई टेंशन मत लो, वो भी रीओपन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है। ये मेरा लास्ट वीडियो था जीपैड को क्लियर करने के लिए डेट वगैरह, इसके बाद अभी कुछ आएगा तभी वीडियो बनाएंगे या फिर कुछ अगर सेंसेशनल आते हैं तभी ठीक है, ऐसे कॉन्स्पिरेशन हवा में कुछ बातें और नहीं करेंगे हम लोग, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद या फिर सभी देखने के बाद जीपैड को लेकर कुछ भी क्वारी आते हैं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ मर्जी जाके पूछ लेना, सिवाय यूट्यूब कमेंट के, क्योंकि यूट्यूब कमेंट का मैं करेंटली इतना रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे से, मेरा खुद का भी सब कुछ काम वाम है, अभी बहुत प्रेशर है और उसके साथ साथ यूट्यूब भी थोड़ा बहुत चला रहा हूँ, इतना नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ लेना, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे मैसेज रिक्वेस्ट देखने में, बट आई विल डेफिनेटली, इट्स बेटर आप फेसबुक पे आ जाओ, फेसबुक अकाउंट मेरा न्यू है एंड थोड़ा ज़्यादा मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, बेटर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, लीजिए लिंक मिल जाएगा आपको। तो अभी वो न्यू अकाउंट है तो थोड़ा हो सकता है इजीली आपको रिप्लाई मिले, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।